ये बालूशाही बन रहा प्रोसेस शुरू बनाया जाता है। और सुबह मैं बहुत जल्दी सुबह उठा था और राजीव से पेट पकड़ा लगाया, मुझे भी भूख लगी है और मेरे साथ राजीव दीदी है उनको भी भूख लगी है। तो हम लोग इस उसका से ही उसका का ही नाश्ता कर रहे हैं और हम लोग टेस्ट करके बताते हैं कि उसका वाकई स्वाद जो है वो कैसा होता है, जो छोटे छोटे बच्चों को भी होता है। तो हम लोग इसको खाकर आपको कहता है कि आप ये बहुत टेस्ट बहुत अच्छा है और सब्जी आलू का सब्जी भी बहुत टेस्ट है। जल्दी जो उसका है यहाँ पर चना और आलू की सब्जी के साथ खाया जाता है और इसका जो कॉम्बिनेशन होता है नॉन वेज फूड आइटम के साथ भी बहुत होता है। जनरली इसको चिकन के साथ मटन के साथ खाया जाता है और इसे बोलिए कि बहुत ऑयली होता है, तेल में डीप फ्राइड होता है, लेकिन ये शरीर को उतना नुकसान नहीं करता है जितने बाकी डीप फ्राइड फूड करते हैं, क्योंकि ये जो चावल जो होता है इसके लिए चावल यूज़ होता है, चावल और उड़द का जो बैटर होता है ये जो है लोग खेत से जो उपजा हुआ होता है, जंगली इलाकों से में जो उपजा हुआ होता है उन्हीं को लेकर आते हैं, उन्हीं से बनाते हैं। तो वाकई ये बहुत ऑर्गेनिक होता है, हाइजेनिक होता है और लोग बहुत चाव से खाते हैं। तो जो झुस्का है कभी आपको कभी आप लोगों को अगर झारखंड आने का मौका मिले, जब झारखंड में आएंगे तो झारखंड में लगभग हर एक जगह झुस्का खाया जाता है, झुस्का बनाया जाता है और लगभग हर जगह ये उपलब्ध है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और जब भी आप लोहरदगा में आते हैं तो डीसी ऑफिस के बाहर प्रांगण में ये आपका जो ईटरीज हैं, छोटे छोटे ईटरीज हैं, यहाँ पे बनाया जाता है। तो यहाँ पर आएंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसको तैयार करते हैं, बनाते हैं और ये लोग पूरे परिवार मिल के ये ईटरी को चलाते हैं, जिसमें है इनका हर एक परिवार का सदस्य का योगदान होता है। और जब भी आप लोहरदगा आए तो किसी ऑफिस के बाहर प्रांगण में जरूर आके उसका काम टेस्ट करें। अभी तो हम ये हमारी शुरुआत है, जो पहला चीज़ यहाँ पे मिला है वो उसका है। उसका के बाद और भी चीज़ें बनाएंगे, थोड़ा आप हमें बताएंगे कि इसके बाद और क्या क्या बनने वाला है, आप बता दीजिए। जलेबी ले ले कैमरा जो चाय बना रहे हैं ना उनके में फोकस करके उनसे पूछ लीजिए। हाँ चाय बना रहे भैया, और क्या क्या दूसरा के बाद बनाने वाले हैं? पूड़ी बनेगा, कचौड़ी बनेगा, बालूशाही बालूशाही भी बनेगा, चावल दाल सब्जी भुजिया। उसके बाद खाना का तैयारी, ये नाश्ते का तैयारी है और खाने का तैयारी। अब क्या क्या ले आइए दोस्तों? ये सुबह का समय है तो भैया लोग दीदी लोग ये नाश्ते का तैयारी कर रहे हैं। अभी यहाँ पे नाश्ता बन रहा है, इसके बाद फिर हम लोग जो भोजन का जो भाग होगा, भोजन में क्या क्या बनाएंगे, कैसे बनाया जाता है, इसका सारा प्रोसेस हम आप लोगों को दिखाएंगे। भैया आपका नाम? भैया का नाम प्रमोद कुमार प्रजापति है और ये इस इडली को चलाते हैं जो लोहरदगा समाहरणालय है उसके बाहर के प्रांगण में अवस्थित है और ये एक तरह से बोलिए कि वो हार्टमेंट है जहाँ पे इसको चलाते हैं। और आप इसको कितने दिन से करा देते हैं? 15 साल इसको चलाते हुए हो गया।
तो 15 साल में बहुत ही कस्टमर बेस बन जाता है। लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है मैं लोहरदगा आता हूँ तो यहाँ पे मैं ज़रूर आता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पर आने का कारण है कि मैं कुछ कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के भी खा सकता था, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जब मैं वहाँ का खाना और यहाँ का खाना को कंपेयर किया तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इनका जो बनाने का तरीका है बहुत ही हाइजीनिक है, साफ़ सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं, और जो इनका जो खाने का रेट है वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट से भी बहुत सस्ता है, बहुत ही सस्ता है। मतलब एक आदमी जो रेस्टोरेंट में खर्चा करेगा तो जितना खाने में खर्च कर देता है वो उतने खर्च में पूरे परिवार के लोग यहाँ पे खाना खा सकते हैं। तो इनका जो मेरा जो यहाँ पर बार बार आने का जब भी मौका मिलता है हम लोग बार बार मैं आता हूँ, तो बार बार आने का कारण ये होता है कि मुझे अच्छा खाना मिले, शुद्ध खाना मिले, खाना गर्म मिले, और खानों को खाने को बनाने में जो पैरामीटर ध्यान में रखा जाता है, क्वालिटी में ध्यान रखा जाता है, ये सारे चीज़ इसको मेंटेन करते हैं। और जिसके वजह से जब भी मैं आता हूँ तो मुझे खाने के बाद बहुत ही संतोष महसूस होता है। और जैसे होता है कि जैसे कहीं आपका खाना खाते हैं आपका पेट भर जाता है, लेकिन एक जरूर भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता है। लेकिन आप जिस जगह पे आएंगे जो आपका जो खाना खाएंगे तो खाना में पेट भी आपका पेट तो भरता ही भरता है लेकिन आपका मन में बहुत संतुष्टि होता है। और आप यहाँ पर आएंगे तो निराश होकर नहीं जाएंगे, ये बहुत खुशी होगी कि मैंने वहाँ पर खाना खाया। तो इस कभी भी आपको एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, जब भी आपको मौका लोहरदगा आने का मौका मिले तो इस जगह पर आकर जरूर खाने को भूलने को ट्राई करिएगा। और मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा मानना है कि जब इस जगह पर आइए आप खाने के लिए तो फिर दोबारा आप बड़ी जगहों पर मुड़ेंगे, एक बार ज़रूर अपनी गाड़ी को यहाँ पर रोकेंगे और यहाँ पर खाना खाएंगे। ये बालूशाही बन रहा है, पहले के जो वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि बालूशाही कैसे बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर भैया ये क्या चीज़ का बनता है जो आप इसका मटेरियल तैयार कर रहे हैं? ये क्या मैदा और चीनी? मैदा चीनी और रिफाइन से ये बनाया जाता है। अभी इसको तला जाएगा और तलने के बाद फिर इसको चाशनी में डाला जाएगा। तो जब भी ये बनता है मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये बनाया जाता है। और इसको बोलते हैं स्वीट ऑफ झारखंड। झारखंड का अगर असली कोई मिठाई है तो ये बालूशाही है, जिसे झारखंडी लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। ये स्वादिष्ट भी होता है और सस्ता भी होता है। ये बालूशाही बनने का प्रोसेस शुरू हो गया है, और ये बालूशाही को यहाँ पर तला जा रहा है। तलने के बाद इस तरह से बनाया जाता है। दोस्तों ये गर्मा गर्म बालूशाही जो तुरंत ये निकला हुआ है, तुरंत का बना हुआ है। अब मैं इसे आपको टेस्ट करके बता रहा हूँ। हुमरू फॉल के जो मेले में मैंने आपको बताया था कि वो बालूशाही है जो इसको बोलते हैं कि स्वीट ऑफ झारखंड। झारखंड के सभी स्थानों में लोग इसको बहुत पसंद करते हैं और इसको बोलते हैं झारखंड का मिठाई बोल सकते हैं इसको। तो मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ इसका स्वाद कैसा है। बहुत ही कुरकुरा है और स्वाद बहुत ही अच्छा। अगर मैं शब्दों में बोलूं तो वर्णन करना मुश्किल है, लेकिन
अब जब भी झारखंड के जमीन पे कदम रखें या झारखंड किसी भी कोने पे आए तो एक बार जरूर बालूशाही वॉक ट्राई करिए। ये हर तरह से आपको एक खाने के बाद आपको एक संतुष्टि प्रदान करेगा, और आपका जो जायका है उसको खाने के बाद अगर आप इसे खाते हैं तो यह खाने का जायका को और बढ़ा देगा। एक तरह से चीज़ के रूप में आप खाते हैं। इसका क्या दाम होगा भैया? 15 रुपये का 2 पीस मिलता है, तो ये बहुत महंगा नहीं है। यहाँ पर अलग अलग जगहों पे इसका अलग अलग रेट है। अब यहाँ के लिए 15 रुपये में 2 पीस मिलता है तो आसानी से खाया जा सकता है और लगभग सभी जगह।